नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं किशोर मंच और स्वयं प्रभा चैनल नंबर 31 और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इसके अलावा PME विद्या चैनल्स पर भी इस प्रकार का ये कार्यक्रम जारी रहता है हर वक्त। और आज हम आपके लिए एक खास सेशन लेकर आए हैं जो इस वक्त होता है। वैसे तो ये जो समय होता है वो वेबिनार का होता है और ये ICT टूल्स पर जो है आधारित होता है। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो टूल्स हैं जिन्होंने हमारी जो ज़िंदगी है उसको बहुत आसान बनाया हुआ है, न सिर्फ आज से बल्कि काफ़ी लंबे समय से। और हमारे जो टीचर्स हैं जो खासकर ICT में रिसर्च करते हैं, एक तरीके से नए नए एप्लीकेशंस ढूंढते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं उनके लिए और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो यहाँ पर आके अपना समय देते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और ख़ासकर शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे आप उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आप जल्दी से हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, 1800-111-265, इसके अलावा 1800-112-199 और ऑल्सो यू कैन सेंड अस एन ईमेल ऑन CIET.KishoreMunch@gmail.com। तो ये तो है आपके चैनल का परिचय और अब हम जल्दी से अपनी जो एक्सपर्ट हैं उनका भी आपके साथ परिचय करा देते हैं और उनके साथ हम जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं वो है गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल ऐप्स। तो गूगल के ढेर सारे एप्लीकेशन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ आसान बनाई हुई है, लेकिन उनको कितना बेहतर तरीके से और कितना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सीखना भी बेहद ज़रूरी है, बिल्कुल विस्तार से। तो वो जानने के लिए हमारे साथ मिस संगीता गुलाटी जुड़ी हुई हैं। आप नेशनल ICT अवार्डी हैं, संस्कृति स्कूल से आप जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार जी, आशा है आप अच्छी होंगी और आपका जो जी बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आशा है आप अच्छी होंगी और आपका जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि आज जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए वाकई में ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। बिल्कुल, गूगल हमारी जिंदगी में बहुत ही रोल प्ले कर रहा है, तो आज हम उसका एक और पहलू देखेंगे एजुकेशन के लिए कि गूगल हम एजुकेशन में, गूगल ऐप्स जो है वो एजुकेशन में कैसे यूज करते हैं। राइट, तो क्या मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल, शुक्रिया। सो थैंक यू राहुल और थैंक यू CIT NCERT, आपने इतने ज्यादा हमारे टीचर्स के लिए इतने सारे रिसोर्सेस शेयर हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में। और आज के इस सेशन में हम गूगल ऐप्स के बारे में बात करेंगे। गूगल ऐप्स जो हम अपने एजुकेशन में, जहां हम जो लर्निंग और टीचिंग, जहां हम पढ़ाई में इनका कैसे इस्तेमाल करें, तो उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है G Suite फॉर एजुकेशन। जितने एजुकेशन के ऐप्स हैं उनके बारे में या जो हमारे गूगल ऐप्स हैं उनको हम एजुकेशन में कैसे लेके आए उसके बारे में है। तो ये गूगल का एक सोल्यूशन है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आप स्कूल, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो G Suite फॉर एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकता है और वो इसको यूज करेगा अपने बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, और बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और इससे काफी एक तरह से जो बच्चों में क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। कम्युनिकेशन तो है ही, क्योंकि हम सब जीमेल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, हम जीमेल से ही एक दूसरे के साथ काफी लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सब चीजें तो है ही। लेकिन पढ़ाई के मामले में ऐसे एप्स हम कहाँ से ढूंढे, कहाँ है और उनका कैसे यूज करें, इसके बारे में आज थोड़ा शुरुआत है। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा गहराई में जा पाएंगे आज के सेशन में, लेकिन हम एक तरह से शुरुआत करेंगे कि ये गूगल एप्स है क्या और इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, एक छोटा सा एग्जांपल मिलेगा देखने के लिए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ये जानने के लिए कि जी स्वीट फॉर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या एप्स हमारे पास हैं। कहने को तो एक्चुअली बहुत सारे एप्स हैं, लेकिन कुछ एप्स जो हम कोर एप्स जिन्हें कहते हैं वो यहां मैं दिखा रही हूं आपको। उनको हम दो एक तरह से श्रेणी में बांट सकते हैं। एक है जिसको हम कहेंगे कि ये एप्स जो है हमारे कोलैबोरेशन के, जहां हम सहयोग में काम करना चाहें, चाहे वो टीचर टीचर के साथ या पूरे अपने डिपार्टमेंट के साथ कहें या बच्चों के साथ, आप इनको कैसे कोलैबोरेशन में यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास गूगल ड्राइव सबसे बड़ी चीज है,
गूगल ड्राइव एक तरह से बेस रहेगा हमारे ये सारे एप्स के, और बाकी जो आप देख रहे हैं नीले रंग का वो है हमारा गूगल डॉक्स, और दूसरा है गूगल शीट्स, फिर गूगल स्लाइड्स, और ये एक है जैमबोर्ड। अब ये सब जो है एप्स हमारे को कोलैबोरेशन में जब हम मिलकर इकट्ठा काम करना चाहें तो उसमें ये सब काम आते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये रखे हैं दो एप्स जो आज हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों एप्स बहुत ही लाभदायक हैं। ये जो पहला आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं गूगल क्लासरूम, और आज के टाइम में जब पेंडेमिक है और हम अपने जो स्कूल की क्लासरूम्स हैं उनमें नहीं पढ़ा पा रहे, हम बच्चों को नहीं देख पा रहे, हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम उनको काम नहीं दे पा रहे और वो जो काम करते हैं उसको हम देख नहीं पा रहे, तो वो सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, और वो आज के टाइम के लिए ही नहीं आगे चल के भी, वो है गूगल क्लासरूम, जिसमें आप बहुत सारा जैसे आप एक रेगुलर क्लास में काम करते हैं वैसा कर पाएंगे। और ये जो है ये लास्ट जो बना हुआ है पर्पल कलर का, ये है हमारा गूगल फॉर्म्स, और देखा जाए तो टीचर्स के लिए ये बहुत ही लाभदायक है क्योंकि गूगल फॉर्म से आप एक तरह से जो हम कॉपी चेक करते हैं, पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, वो सब काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो क्विज बनाना जहाँ पे हम एकदम अपने आप ही जिसको हम स्कोर भी कर सके, हम ग्रेड भी कर सके और बच्चों को हम वापस भी मार्क्स दे पाए, वो सब हम गूगल फॉर्म्स के माध्यम से करते हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं और इन सबको जानने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन आज हम थोड़ा सा सबका थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे और फिर हम वापस जाएंगे गूगल ड्राइव पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि आपको नए सिरे से कैसे शुरू करते हैं उसका अंदाजा आए, और गूगल डॉक्स के बारे में भी हम थोड़ा ज्यादा गहराई में बात करेंगे। तो अगर हम शुरू करते हैं गूगल ड्राइव से, तो ये गूगल ड्राइव का ये आइकॉन है इस ऐप का, और इसको आप काफी शायद यूज करते हैं अपने कॉमन जनरल पर्पस के लिए या स्कूल के काम के लिए। तो गूगल ड्राइव है क्या चीज? तो गूगल ड्राइव जो है वो एक तरह से आपको एक स्थान पर एक ही जगह में आपको सारा सामान इकट्ठा करके मिलने वाली एक ऐप है, जहां आप बड़े सिक्योरली अपनी जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी काम है उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जो गूगल ड्राइव है ये किसी डिवाइस पे बेस्ड नहीं है, ये नहीं है कि आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले होता था हम जब अपना फाइल्स बनाते थे या अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाते थे तो उसको सेव करने के लिए हमारे पास या तो अपने लैपटॉप की ड्राइव है उस पे सेव करते हैं, या हमने पेन ड्राइव में या सीडीज या डीवीडीज उसमें सब स्टोर करते थे। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब हम काफी टाइम से आप सब लोग भी शायद इन चीजों पर नहीं डिपेंड करते, क्योंकि आपको मालूम है ये खराब हो जाती है और आपकी जितनी भी मेहनत करी हुई होती है वो एकदम व्यर्थ हो जाती है। तो उसकी जगह हम जिसे क्लाउड स्टोरेज कहते हैं वो हम अपनाया हुआ है हमने, उसको हमने यूज करते हैं, और गूगल ड्राइव इसी स्टोरेज का एक हिस्सा, इसी को हमें प्रोवाइड करता है। और आपके पास अगर रेगुलर जीमेल है तो 15 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, और अगर आप जी स्वीट फॉर एजुकेशन पे आपका आईडी है और उसमें आपने अपनी गूगल ड्राइव खोली है तो उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, आप कितनी भी हैवी फाइल्स को उसमें संभाल के रख सकते हैं और आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक गूगल ड्राइव का मतलब एक ले पर्सन की तरह अगर हम बोले तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। थोड़ा और आगे देखते हैं कि हमने गूगल ड्राइव के बारे में जब जानना है तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और कहां से इसको ले सकते हैं। तो अगर आपके पास जीमेल है, अगर आपके पास जीमेल आईडी है और आपने अपना मेल के लिए साइन इन करा हुआ है, तो आपका जब ये इनबॉक्स खुलता है तो ये ऊपर 9 बिंदुओं वाला एक चिन्ह दिखता है जिसको हम ऐप लॉन्चर कहते हैं। तो ये 9 डॉट को अगर आप टच करके इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास में जितने एप्स आपके इस लॉगिन आईडी के साथ में कनेक्टेड होते हैं वो खुल जाते हैं, और उसमें आप गूगल ड्राइव का आइकॉन पहचान सकते हैं, उसको वहां से खोल सकते हैं। ये एक तरीका है।
और दूसरा तरीका बड़ा आसान है, आपने जैसे ही अपना साइन इन करा और गूगल का पेज खुला, तो वहां जो ओमनीबॉक्स जहां पे हम अपने एड्रेसेस वेब एड्रेसेस डालते हैं, वहां आप drive.google.com टाइप करिए और आपका गूगल ड्राइव जो उस आईडी के साथ कनेक्टेड है वो खुल जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीके से आप अपना गूगल ड्राइव जो है उसको खोल सकते हैं। और इसी तरह हम अगर जब खोलते हैं तो शुरुआत है, आपने अभी कभी गूगल ड्राइव यूज नहीं करी है तो वो खाली होगी, राइट? तो जब वो खाली होगी तो उसमें कुछ भी नहीं है, और ऐसा एक मैसेज सा आ जाता है कि हाँ ये एक आपकी जगह है जहां पे आप अपनी सारी फाइल्स को संभाल सकते हैं, आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई जैसे यहाँ लिखा हुआ है गूगल डॉक, शीट्स, स्लाइड्स, और फिर है माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स वगैरह हैं जो आपके सिस्टम में पड़ी हुई हैं, आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो स्टोरेज है वो बढ़ सकती है और आप उसको यूज कर सकते हैं जैसे जैसे आपको जरूरत होगी। और एक बार जब आप शुरू करते हैं गूगल ड्राइव यूज करना तो वो बहुत जल्दी भर जाती है और बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज हो जाती है, उसमें सामान नहीं मिलता। जैसे अपने घर की अलमारी की बात करें तो जब तक आप उसको सलीके से नहीं रखेंगे तो आपको सामान नहीं मिलेगा वहां पे। तो उसके लिए तरीका है फोल्डर्स का। आप अपने ड्राइव में हमेशा काम फोल्डर बना के करेंगे और मैं अभी आपको डेमो दूंगी कि वो फोल्डर कैसे बनाते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो आप फोल्डर बना के अपनी ड्राइव में उसमें से आप फाइल्स बनाएंगे और उसमें ही हम जितनी भी सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो वहां रखेंगे। तो जब हम बात करते हैं लुक की कि वो गूगल ड्राइव कैसा दिखता है, तो ये एक उसका लुक है जहाँ पे कुछ फाइल्स आपको अभी ऑलरेडी दिख रही हैं और यहाँ साइड में कुछ पैनल सा आता है जहाँ पे सबसे बड़ा बटन है न्यू, फिर है माई ड्राइव, शेयर्ड विद मी, रीसेंट, स्टार्ट एंड ट्रैश। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम माई ड्राइव देखते हैं, अगर आप माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपने बनाई है, जिसके आप ओनर हैं, वो सारी फाइल्स फोल्डर्स आपको माई ड्राइव क्लिक करने पे दिख जाएंगे। और अगर आप शेयर्ड विद मी देखेंगे तो वहां अलग दिखेगा, लेकिन आप फाइल बनाएंगे कैसे, तो वहां के लिए ये जो प्लस साइन है, जो गूगल कलर्स में हम कहते हैं जो प्लस साइन बना हुआ है, वो गूगल के लिए एक तरह से इंडिकेशन है कि आप इसको दबाएंगे तो वहां से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्लस साइन दबाते हैं तो आप फोल्डर में भी एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, शीट्स, फॉर्म्स, ड्राइंग, ये सब कुछ इस प्लस को और फोल्डर, जब आप फोल्डर बनाएंगे तब भी हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये सब आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। और शेयर्ड विद मी, इसका क्या मतलब हुआ, शेयर्ड विद मी जो भी, अगर क्योंकि हमने कहा ये कोलैबोरेशन, सहयोग में आप काम कर सकते हैं, आप मैंने अगर कोई काम करा और फाइल बनाई या फोल्डर बनाया, मैं किसी और के साथ इसको शेयर कर सकती हूँ और वो उनके ड्राइव में, वो माय ड्राइव में फाइल नहीं दिखेगी, शेयर्ड विद मी। सो अगर किसी ने मेरे साथ कुछ काम शेयर किया है, कोई फाइल या फोल्डर, तो वो मुझे शेयर्ड विद मी क्लिक करने पे मैं उसको ढूंढ पाऊंगी, उसको मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। तो ये एक बड़ा क्लियर ऑब्वियस तरह से तरीका है इसको पूरी अपनी ड्राइव को ऑर्गेनाइज करने का, उसको पहचानने का। और आप उसमें अगर कुछ नया काम अपने ताजा ताजा करा है और उसको पहचानना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, तो आप रीसेंट को भी दबा सकते हैं। और रीसेंट फाइल के अलावा सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि गूगल अपने में एक सर्च इंजन है, तो अगर आप गूगल ड्राइव में कुछ सर्च करना चाहते हैं, आपको ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको फाइल का कोई कीवर्ड याद है, नाम याद है, या जिसने बनाई है उसको याद है, तो आप यहाँ सर्च ड्राइव इसमें अगर आप टाइप करेंगे तो आप उस फाइल को, उसकी फाइल जैसे, या जैसे गूगल एक कीवर्ड जिस जिस फाइल में दिख रहे हैं वो फाइल के प्रीव्यू देखने लग जाएंगे, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से गूगल ड्राइव जो है वो एक तो है तो बहुत बड़ी स्टोरेज, लेकिन उसमें नेविगेट करना, उसमें अपना काम ढूंढना और काम से को एक जगह रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है।
और अगर आप मोबाइल फोन यूजर हैं, आप लैपटॉप पे नहीं काम ज्यादा करते और आप मोबाइल फोन पे करते हैं, तो ये सब जितनी भी ऐप की पावर है वो आपको अपने फोन में भी मिलेगी। तो अगर आपने अपने फोन में अपने लॉग इन जो भी आपका जीमेल आईडी है उससे साइन इन किया हुआ है, तो आपको एक सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके पास क्रोम ब्राउजर होना चाहिए। और अगर आपने क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करा हुआ है तो आप बाकी जितनी भी गूगल के एप्स हैं इंक्लूडिंग गूगल ड्राइव इन सबको यूज कर पाएंगे। और अगर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिखते ये सब, तो आप अपने प्ले स्टोर में जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं एप्स को, और इनको आप अपने जितनी सहूलियत से हम लैपटॉप पे कर सकते हैं उसी तरह हम फोन पे भी कर पाएंगे। एक आध फीचर का कुछ फर्क होता है, बट अदरवाइज ये बिल्कुल बड़ी आसानी से फोन पे भी काम कर सकते हैं इन चीजों से। तो जब हम फोन पे बात करते हैं, तो गूगल ड्राइव अगर हमने खोली, तो मेरी जो गूगल ड्राइव दिख रही है यहाँ पे, ये मेरी फोन से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये सारे फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फोल्डर्स दिखेंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे जो निशान है वहां पे आप जो रीसेंट या किसी ने शेयर किया है वो ढूंढ पाएंगे। और शेयर हम फोन पे कैसे करेंगे ये मैं यहाँ से बता रही हूँ, और फिर जब हम फोल्डर बनाएंगे तब मैं फिर से बताऊंगी कि हम शेयर जब कहते हैं, किसी के साथ हम साझा कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे। तो फोन पे अगर आप अपना फोल्डर शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी और काम करना चाहते हैं, तो ये जो तीन डॉट्स बने हुए हर फोल्डर में, उनमें ये सारे फीचर्स छुपे होते हैं। तो आपको सिर्फ इन तीन डॉट्स को टच करके खोलने हैं ये सारी सेटिंग्स। और सबसे पहला है शेयर, आप उसमें इसको स्टार करके भी रख सकते हैं, अगर कोई ऐसी फाइल है या फोल्डर है जो बार बार आप यूज करते हैं आप उसको इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कलर है मेरे सारे फोल्डर्स में अलग अलग, तो आप फोल्डर्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसका मैं अभी डेमो दूंगी आपको लाइव, ताकि ये चीजें आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो ये हमारे को इसका कुछ फोन में भी मिलेगा, ठीक है। और अगर हम फोल्डर खोलते हैं तो वो खाली होंगे शुरू में, और उन फोल्डर में हम फाइल्स बनाएंगे, और उन फाइल्स को आप फोन पे भी उसी तरह से बना पाएंगे। क्रिएट करके प्लस बटन आएगा, जैसे मैंने कहा जहां भी प्लस दिखेगा इसका मतलब है कि आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये सब फीचर्स वहां पे जो अपने लैपटॉप में गूगल ड्राइव खोले जो वहां दिखेंगे वही आपको अपने फोन पे भी दिखेंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि जब मेरी डेमोन्स्ट्रेशन होगी तो वो लैपटॉप पे होगी, तो आपको शायद ये ना लगे कि कुछ चीजें जो है वो आपको फोन पे अगर आप करें और नहीं पता चले, तो ऐसा कुछ नहीं है। और किस तरह की फाइल्स बन सकती हैं, जैसे हमने पहले कहा ये एप्स हैं हमारे गूगल के जो बहुत काम के आते हैं, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल ड्राइंग्स और जैम। ये सब आप अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। और आज के टाइम में जहां हम ऑनलाइन ही डिपेंड कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसमें ऐसे एप्स जो हैं वो बहुत पावरफुल प्रूव कर रहे हैं। और इनको पहुंचने के लिए अगर आप लैपटॉप पे हैं, तो जैसे पहले बताया ये जो ऐप लॉन्चर है, इसको वॉफल भी कुछ लोग कहते हैं, नौ बिंदुओं वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सारे ये एप्स जितने आपके इस लॉगिन आईडी से जितने जी सूट से कनेक्टेड हैं वो दिख जाएंगे, और आप वहां से शुरू कर सकते हैं। फोन के लिए आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से, और जैसा पहले आपको दिखाया प्लस का माने है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे प्लस करेंगे तो आप फोल्डर बना सकते हैं, कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, और गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, और उनके अलावा आप कितने भी एप्स कनेक्ट करते हैं अपने साइन इन से, उस पे डिपेंड करेगा आपको और क्या क्या दिखेगा। तो ये सब एक तरह से जो है अनलिमिटेड चॉइसेस कई बार आ जाती है कि हम अब क्या करने वाले हैं या क्या बनाने वाले हैं बच्चों के साथ में, लेकिन हर चीज एक अपनी जरूरत है और जगह है, आपको क्या करना है उससे ये डिसाइड होगा कि आप इसमें से कौन सा
ऐप यूज करें। ओके तो हम एक आपके साथ एक टिप भी शेयर करते हैं कि अगर आपने शॉर्टकट लेना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप उसी टाइम बनाना चाहते हैं कोई डॉक या स्लाइड या फॉर्म या शीट्स, तो आप सिर्फ ब्राउजर में सिर्फ डॉक डॉट न्यू डाल दीजिए। आप गूगल ड्राइव में नहीं आएंगे, ऐप लॉन्चर नहीं खोलेंगे, सिर्फ आप अगर डॉक्स डॉट न्यू करें, स्लाइड्स डॉट न्यू करें, तो आपकी एक नई फाइल तैयार हो सकती है बड़ी आराम से, और उसमें आप काम कर सकते हैं। और फिर उस फाइल को आप किसी फोल्डर में अगर शिफ्ट करना चाहें, मूव करना चाहें, तो वो भी कर पाएंगे। तो ये सब फीचर्स हैं जो कि हमारे आपको काम आते हैं। और मैंने जैसे कहा, अगर आप अपने फोन पे काम कर रहे हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखती है, ये वाले एप्स को आप डाउनलोड अपने फोन पर कर सकते हैं। और बहुत जितना हम लैपटॉप पे काम करते हैं, 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन 99% आप उसको फोन पे भी कर पाएंगे। सो जरूर ट्राई करके देखिए कि अगर आपके पास इसमें से कोई ऐप नहीं है, तो आप डाउनलोड करके उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि भाई ये गूगल डॉक्स की क्यों जरूरत है, जब मैं आराम से एक वर्ड ऐप है, टाइप ही तो करना है, तो मैं अपने सिस्टम पे आ रहा है, मुझे मेरे को पता है मेरे को और तरीके आते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब आप पहले काम करते थे, तो हम कैसे काम करते थे, आपने एक फाइल बनाई और अपने सहयोगी को आपने मेल करी, और उन्होंने क्या करा, उसको डाउनलोड करा, फिर उसमें चेंजेस करे, फिर उन्होंने दूसरे को मेल करा कि भैया देखो इनका असाइनमेंट ठीक है या नहीं है, या इन्होंने ये जो पूरा सिलेबस लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा, और फिर वो वापस आपके पास आता है, तो उससे मल्टीपल कॉपीज, तरह तरह के अलग अलग के वर्जन्स बन जाते जी। और इस चीज को अगर हम करें काम में, अगर हम अपने स्कूल के एनवायरमेंट में देखें, तो ये बहुत ही एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि जब तक एक पहला बंदा देखेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक जो बहुत जरूरी काम होते हैं वो रुक जाते हैं। तो ये जो था, ये तरीके को छोड़ के हम अब गूगल डॉक्स जब बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास बड़े आसानी से एक डॉक्यूमेंट को आप तीन या जितने लोगों के साथ शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, उनको अलग अलग से राइट्स दे सकते हैं कि उनका क्या रोल है। अगर मैं अपने सहयोगी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि वो मेरे साथ एडिटिंग करे, तो मैं उनको एडिटर का रोल दूंगी। अगर मैं अपने सुपरवाइजर के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं उनको कमेंट का देना चाहूंगी। अगर मैं बच्चों के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, तो मैं उनको कहूंगी ये देखिए ये आपका असाइनमेंट आ रहा है, इसको देख के आप काम करिए, तो मैं उनको व्यूअर का राइट दूंगी। तो ये तरह के आप राइट्स डिफाइन कर सकते हैं जब आप किसी एक डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं, और उसे लाइव टाइम में, उसी टाइम जब हम सब काम कर रहे हो, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, हम एक दूसरे के जो चेंजेस आ रहे हैं फाइल में उनको भी रियल टाइम में देख पाएंगे। तो उससे जो है काम जल्दी बढ़ता है, और सब जो एक तरह से मिलकर काम जो कर रहे हैं उसका एक अलग ही फायदा होता है। और अगर हम गूगल डॉक्स में कुछ बनाना चाहें, तो किस तरह की चीजें बना सकते हैं? आप अगेन अपना फाइल कुछ बना रहे हो तो बनाएंगे ही, लेकिन आप किसी और के साथ मिलकर बना सकते हैं, चाहे वो करिकुलम का आपका सिलेबस का डॉक्यूमेंट हो, क्वेश्चन बैंक हो, या आप बच्चों के साथ, बच्चों को कोई रिसर्च का काम दे रहे हैं, तब आप गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट का या इंटर डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। और उन सबके साथ में जब हम पूरे स्कूल का, चाहे हम रिकॉर्ड रखना चाहें, एक तरह से न्यूज लेटर बनाना चाहें, वो सब भी आप गूगल डॉक्स के माध्यम से बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जैसे जैसे हम आगे चल के डेमो देंगे, तो आपको हम और फीचर्स दिखाएंगे कि इसमें हम कितनी आसानी से इमेजेस यूज कर पाएंगे, हम इसको रिसर्च जब हम कर रहे हैं तब हम उसको कैसे फायदा उठाएंगे, वो सब हम आपको दिखाएंगे जब हम एक डेमो देंगे। दूसरा एक ऐप जो बहुत ही यूजफुल है, वो है गूगल स्लाइड्स। अभी मैं जो प्रेजेंटेशन कर रही हूँ,
पे रखा, मैंने इसको अभी अपने लिए कोई एक तरह से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनमें भी क्लास और टीम को साइंस का अपडेट वो मिले कि कॉन्सेप्ट जो है उसको मिलते हो ताकि आप जो उसको ज्यादा इंप्रूव करें उस तरह से गूगल स्टेट भी इस पर से जी। संगीता जी, हमें आपकी आवाज़ जो है कुछ रुक रुक कर मिल रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज़। मुझे लग रहा है कुछ शायद डिस्टरबेंस है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, ब्रेक होकर आपकी आवाज़ आ रही है दरअसल, तो इस वजह से जी अभी बेहतर है। तो ये जो गूगल ड्राइव का सिलसिला यहाँ पर आपने देखा, ये वाकई कारगर साबित होगा अगर आप इसको गहराई से समझेंगे। तो जो वो 9 डॉट्स आपको दिखाई दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं और इस वजह से बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कितनी आसानी से उन्होंने ये बताया कि कैसे आप इसमें डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली होगी वो ये कि उन्होंने एक जो एग्ज़ाम्पल दिया कि पहले मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने अपने फ्रेंड को सेंड की, फिर उसने मेरे अब हमारे एक और कलीग को दी, तो देर आर मल्टीपल फाइल्स फॉर द सेम डॉक्यूमेंट। तो हो क्या रहा था कि हम पासिंग द बॉल खेल रहे थे, तो बॉल चेंज होती जा रही थी, सबकी अपनी अपनी बॉल हो जाती थी। तो अभी क्या हो गया है कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो क्लाउड स्टोरेज में है, यानी कि उसको यहाँ से वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव्ड है, एवरीवन कैन फेच फ्रॉम द इंटरनेट और दे कैन यूज़ द सेम फाइल। तो उसका कोई रेप्लिका नहीं बनेगा, और जब रेप्लिका नहीं बनेगा तो मल्टीपल कोई फाइल नहीं बनेगी, कोई रिडंडेंसी नहीं होगी, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। होगा क्या कि एक ही समय में हम सब ऑटोमेटिकली वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे। तो ये इन सब डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा है। और जैसा उन्होंने कहा, कुछ उन्होंने पुराने वो औजार भी दिखाए जिनमें हम अपना स्टोरेज किया करते थे, कहीं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस हुआ करती थी, सीडीज, डीवीडीज, और एक और उससे पहले चलन में थी फ्लॉपी। तो फ्लॉपी में क्या होता था कि कभी कभी आपने सीपीयू में लगाया, कॉपी किया, और जैसे ही आप गए वहाँ पर अपने जहाँ इस्तेमाल करना है, फ्लॉपी नहीं चल रही है। तो इस तरीके की जो बड़ी परेशानियाँ थी वो समय के साथ, जो पिछले 1.5 दशक का समय रहा है वो बहुत ही तकनीकी तौर से उन्नत करने का रहा है। और संगीता जी का जो वो है तजुर्बा, वो 2.5 दशक का है, उन्होंने ये सब चीज़ें अपने सामने आते हुए देखी हैं। अब मेरा ख्याल है कि हम उनके साथ जुड़ चुके हैं, आइए एक बार फिर रुख करते हैं। संगीता जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल जी, राहुल जी, बिल्कुल क्लियर है, मैं आपका सारा सुन पा रही थी। जी जी, दरअसल पहले आपकी आवाज़ हम तक क्लियर कट नहीं पहुंच रही थी, अभी लेकिन अच्छी हो गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 4:34 हो चुके हैं, हमारे पास चंद 25 मिनट बचे हैं। तो यदि आप डेमो अगर हमें हैंड्स ऑन दिखा दें कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो गूगल स्लाइड्स मैंने अभी बात करी, गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के लिए है, इस पे हम एक और सेशन बाद में जरूर करेंगे। और फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं गूगल फॉर्म्स, जो कि क्विज के लिए यूज हो सकते हैं, जहां पे आप एक बिल्कुल सेल्फ से, बिल्कुल जैसे सेल्फ ग्रेडेड होता है, आपने बच्चे ने जैसे ही जमा करा उनको नंबर भी पता चल गए, ऐसे हम गूगल फॉर्म से क्विज बना सकते हैं। और हमारे पास में गूगल ड्राइंग है, जहां पे बहुत ही अच्छे इंटरैक्टिव बच्चों से हम कॉन्सेप्ट मैप बनवा सकते हैं, कोई लेबल करने वाली जो डायग्राम्स हैं वगैरह उन सबको हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम गूगल डॉक्स और ड्राइंग्स दोनों को मिला दें, अगर हमें गूगल ड्राइंग गूगल डॉक में डाल दें, तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव लेसन भी बन सकते हैं बच्चों के लिए, जो आपको बहुत आसानी से आप बना पाएंगे।
ये सब कुछ जो चीजें हैं, ये सब जो हम बच्चों तक जब पहुंचाएंगे तो उसको हम गूगल क्लासरूम के माध्यम से पहुंचाएंगे। और गूगल क्लासरूम में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, आप बिल्कुल जैसे क्लास बनाते हैं वैसे ही क्लास बनाएंगे, बच्चे इसमें जुड़ेंगे, असाइनमेंट जाएंगे, आप असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब आप जितने भी गूगल एप्स हैं वो गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और उनको एक मौका दे सकते हैं कि वो इस सब से कुछ क्रिएट कर सके और आपके साथ कनेक्ट हो सके। तो जैसे आपने कहा कि डेमो बहुत जरूरी है, जब तक हम दिखाएंगे नहीं कि ये गूगल ड्राइव क्या चीज होती है और कहाँ से हम शुरू करते हैं, और डॉक्स का स्पेशली जब हमने शेयरिंग की बात करी तो वो कहाँ से शुरू होगी, वो उसको देखने के लिए हम जाते हैं, पहले अपने अकाउंट से हमने साइन इन करा, और यहाँ मैं अपना एक अकाउंट खोल रही हूँ जहां से हम शुरुआत करेंगे, और ये इसमें 9 डॉट्स को अगर हम क्लिक करते हैं और हमने गूगल ड्राइव खोली तो ये गूगल ड्राइव आपकी यहाँ से खुलती है, और यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने स्क्रीनशॉट में देखा वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे अभी दिखाई देगा। तो गूगल ड्राइव में हम सबसे पहले इस प्लस बटन को यूज करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये प्लस बटन, जैसे मैंने कहा संगीता जी, दरअसल आपने प्रेजेंटेशन को स्टॉप अभी नहीं किया है और स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रहा है, तो जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सुन तो पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो एक बार आप प्रेजेंटेशन को स्टॉप शेयर करके और स्क्रीन शेयर कर देंगे तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो सर मेरा स्क्रीन पूरा शेयर्ड है। ओके ठीक है, आप शुरू कीजिए, अभी देखते हैं हमें स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन शेयर नजर आएगी। जी आप शुरू करें। हाँ जी, तो मैंने अपना पूरा स्क्रीन शेयर किया हुआ है और अपने लॉगिन आईडी से अब मैंने अपना गूगल ड्राइव खोला है। ठीक है, तो आपको नहीं दिख रहा क्या? जी दरअसल वो प्रेजेंटेशन जिसमें गूगल के स्लाइड्स थे वही अभी भी शेयर हो रहा था, तो इस वजह से जो है शायद कुछ प्रेजेंट करके बंद कर दोबारा शुरू करती हूँ, स्टॉप कर वैसे तो मेरी तरफ से तो खुला हुआ। जी तो उससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और ये सेशन YouTube पर भी रहेगा, और इस सेशन के ख़त्म होने के बाद आप ये पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हर तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जो सेशन है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है, लेकिन आपको देखना होगा कि कैसे आप इसको टाइम टू टाइम रिकॉल करते हैं। जी अभी हम लोग इस प्रयास में हैं कि जैसे ही संगीता जी की स्क्रीन शेयर होगी तो जी, अब हम आपकी स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं, गूगल ड्राइव का जो है जी यूआरएल दिखाई दे रहा है, ये गूगल ड्राइव। जी तो अब ये गूगल ड्राइव में मैं प्लस बटन दबा रही हूँ और यहाँ आपको दिख जाएंगे फाइल, अपलोड, फोल्डर, और मैं पहला काम शुरू कर रही हूँ फोल्डर बनाने से। तो फोल्डर, यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया और एक डायलॉग बॉक्स बनता है अनटाइटल्ड फोल्डर, आप पहले इसको नाम देंगे, तो मैंने इसको क्लास 10 का नाम दे दिया और क्लिक करा क्रिएट। तो जैसे ही मैंने इसको बनाया, देखिए ये एक फोल्डर तैयार हो गया, और इस फोल्डर को मैं थोड़ा अलग दिखे इस कारण मैं इसके रंग बदल सकती हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया वो 3 डॉट्स में फोन पे आप चेंज कर सकते हैं, वैसे ही राइट करने पे आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं फोल्डर का, ताकि वो थोड़ा क्लियरली दिख जाए। तो ये हमारा गूगल ड्राइव में एक फोल्डर तैयार हुआ है। अब गूगल ड्राइव के बारे में, क्योंकि खोली है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि अगर आप गूगल ड्राइव में जाते हैं ऊपर जहाँ ये 9 बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पे एक गियर आइकॉन, जो पहिए जैसा आइकॉन दिख रहा है, इसमें आप गूगल ड्राइव की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में लैंग्वेज चाहते हैं तो चेंज लैंग्वेज सेटिंग्स, उसको यूज करके आप गूगल ड्राइव की भाषा भी बदल सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना व्यू की थोड़ा कंफर्टेबल दिखे या ज्यादा फाइल्स फैली हुई दिखे, उन सबको सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने सेटिंग्स नहीं चेंज करी तो डन, अदरवाइज सेव करके
हम वापस अब फोल्डर पे आ रहे हैं। अब मैं इस फोल्डर में आपको गूगल डॉक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी। तो अभी कुछ भी नहीं है इस फोल्डर में, खाली है और है, देखिए प्लस न्यू, इसको दबाया और यहां आपको गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स ये सब दिख रहे हैं। तो हम काम शुरू करते हैं गूगल डॉक्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट। अभी हम खाली लेंगे, टेम्पलेट भी होते हैं, पहले हम खाली डॉक्यूमेंट से शुरू कर रहे हैं। तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अभी जब भी डॉक्यूमेंट या फोल्डर कुछ भी शुरू होता है वो पहले अनटाइटल्ड ही होता है, उसका नाम नहीं होता फाइल का। तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए, चाहे वो फोल्डर हो या कोई फाइल हो, उसमें आपको सबसे पहले इसका नाम डालना होगा। तो हम यहाँ नाम डाल देते हैं, चलिए लेसन वन। और इसमें हम एक लेसन बना रहे हैं या बच्चों को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस लेसन में कुछ टाइप करूंगी, कंटेंट डाल सकती हूँ। तो मैंने कहा चलिए लेसन एक बना रहे हैं, हम ताजमहल के ऊपर एक लेसन बना रहे हैं। तो ये हमने ताजमहल टाइप करा, इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। तो ये तो बड़ा मामूली काम है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। और ये एक बार अगर तैयार हो गया, मैं इसमें कंटेंट डालना चाह रही हूँ। उसके लिए क्योंकि हम गूगल में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम रिसर्च टूल जो है वो गूगल का ही यूज करें। तो उसके लिए किसी भी फाइल जब आप खोलते हैं तो नीचे एक एक्सप्लोर का बटन आता है, जो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं जो कर्सर आ रही हूँ जहां पे बिल्कुल कोने में यहाँ दिखता है, इसको जब मैं दबाती हूँ एक्सप्लोर, तो यहाँ आपके पास वो पैनल खुल जाता है जहाँ एक आप सर्च कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और वेब में। और यहाँ मैंने डाल दिया ताजमहल, मैं ताजमहल की रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने ताजमहल यहाँ पे डाल। तो इससे वेब सर्च हो जाएगी, इमेजेस आ सकती हैं, और अगर मैंने इमेजेस पे क्लिक किया तो मुझे देखिए कितनी सारी इमेजेस दिख रही हैं। जैसे ही मैं कर्सर किसी इमेज के ऊपर लेके जाती हूँ, एक प्लस साइन आता है, मैंने उस प्लस को दबाया और ये इमेज जो है वो गूगल डॉक के बीच में अपने आप सेट आ गई। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो क्लिक किया और इसको हमने छोटा कर दिया और ताकि वो पूरा पेज ना ले। और इसके साथ में सिर्फ ये भी है कि ये पिक्चर कहां से, किस सोर्स से ली गई है, उसको भी ये साइट कर रहा है। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो देखिए उसको सोर्स को साइट कर रहा है। ये बच्चों को सिखाना जरूरी है, जब वो कंटेंट लेते हैं कहीं से तो वो उसको एक सोर्स को साइट जरूर करे। अब हमने वेब से कुछ कंटेंट शेयर कर सकते हैं, कोई वेब साइट लेके उसमें से हम रिसोर्स ले सकते हैं। तो देखिए कितने तरह के जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं यहाँ दिख रहे हैं। आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का अगर वेबसाइट देखना चाहते हैं वहां से आप ले सकते हैं, हिस्ट्री चैनल से लेना चाहते हैं, तो आपने वहीं पे गूगल डॉक के अंदर ही आपने क्लिक करके उस वेबसाइट से आप कंटेंट लेना चाहते। तो यहां से आप जब कंटेंट लेंगे आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं और इसको फिर हम साइट कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट है वो आपने, चलिए यहां से कॉपी किया, वापस हम डॉक्यूमेंट में आए और यहां पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहां पे जब हम लिख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम इस सोर्स को भी साइट करें। तो यहां मैंने ये कोट का साइन आ रहा है, इसको क्लिक करा तो फुट नोट में आपके पास ये कहां से रिसर्च किया आपने वो दिख जाएगा। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं इस फाइल को शेयर करना चाहूंगी अपने कुछ सहयोगियों के साथ ताकि हम आपको दिखा सके कि ये जो है फाइल, इसमें हम इकट्ठे मिलकर काम कैसे करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मेरी सहेली है और मेरी बहुत अच्छी कुलीग है, उनको मैंने कहा चलिए आप इसमें एडिट करिए। तो मैंने कहा इसमें चेंज द फॉर्मेट, चेंज द फॉन्ट, इनको ये मैंने मैसेज डाला और उनको एडिटर बनाया है, इनको सेंड कर दिया। तो ऐसे आप सेटिंग्स बना सकते हैं एडिटिंग की और रियल टाइम में आप इनके को मौका दे सकते हैं बच्चों को आपके साथ काम करने का। और इनको मैंने दिया राइट कॉमेंटर, तो शेयर बटन पे दबाया, ईमेल आईडी डाला
और यहां से मैं सेटिंग ले सकती हूँ शेयरिंग की, तो कमेंटर, और इन्हें मैंने कहा प्लीज कमेंट। तो अब देखते हैं अगर वो ऑनलाइन है मेरे साथ तो आपको दिख जाएगा वो मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ तो एक मैंने इनको पर्सन को ऐड करा, संचिता जी ऊपर उनका आइकॉन भी दिख रहा है, और अब वो इसमें ऐड करेंगी कंटेंट या उसमें कुछ और एडिटिंग करेंगी, तो जैसे जैसे वो टाइप करेंगी मैं रियल टाइम में देख पाऊंगी उनको ये काम करते हुए। और वैसे ही मेरी जो दूसरी सहयोगी है उनका भी आइकॉन ऊपर दिख जाएगा, तो रियल टाइम में हम काम इकट्ठे कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और एक दूसरे का काम मिलके कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। इसी तरह यहाँ पे शेयरिंग में चेंज टू एनीवन विद द लिंक, ऐसे सेटिंग में मैं ये चूज कर सकती हूँ कि जो जिसको भी ये फाइल का लिंक मिले वो फाइल देख सके, तो ये व्यूअर का राइट यहाँ से दिया जा सकता है। तो ये भी आप कॉपी कर सकते हैं लिंक और आप किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिसको भी ये लिंक मिलेगा वो इस फाइल को देख पाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है तो चेंज आ रहे हैं, फॉन्ट चेंज, वो मैम कुछ इसमें कंटेंट ऐड कर रही हैं और कमेंटर जो है वो इसमें इसको सिलेक्ट करके कोई कमेंट देंगे या मैं किसी को एडिटिंग का राइट देती हूँ तो वो उस तरह से करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है गूगल डॉक्स का वो है वॉइस टाइपिंग। तो टूल्स के अंडर वॉइस टाइपिंग है और यहाँ से आप भाषा भी चूज कर सकते हैं। यहाँ अभी तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है और मैंने यहाँ थोड़ा सा नीचे गए तो हमें दिखेगा हिंदी और हमारी काफी रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और मैंने अभी सिलेक्ट किया हिंदी और माइक बना हुआ है, इसको मैं अब ऑन करूंगी और जैसे माइक से जो भी आवाज जाएगी वो यहाँ पे टाइप होके इसको एक तरह से लिखती जाएगी, तो जैसे मैंने बोला वो यहाँ पे टाइप होता गया। अगर मैं इसको रोकना चाहती हूं तो मैं वापस इस लाल वाले माइक को स्टॉप करूंगी और ये थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि जितना आप रुकेंगे या आपकी एक्सेंट नहीं समझेगा वो, या पंक्चुएशन मार्क है तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो वॉइस टाइपिंग जो है गूगल की वो बहुत ही लाभदायक है और इसमें काफी आपको फीचर्स मिलते हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो ये देखिए रूपाली मैम ने यहाँ पे एक कमेंट है, जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ उन्होंने उसके साथ मैंने उनको शेयर किया और वो उसको कमेंट दे रही है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी मैम जो है वो इसको एडिट कर सकती है, जो मैंने टाइप करा उसको वो एडिट कर सकती है। तो ये अलग अलग तरह से हम शेयरिंग राइट्स जो हैं उनको यूज करके बच्चों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जो फायदा है वो ये है कि आप टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि समय सबसे बड़ी बचत है इस वक्त और हमेशा से रही है। और यहाँ पर संगीता जी ने कितने अच्छे से उदाहरण दिया कि उनके जो कोलीग्स हैं वो इसी वक्त अवेलेबल भी थे। आप लोगों ने एक टाइम म्यूचुअली डिसाइड किया कि इस टाइम पर हम ये असाइनमेंट करने जा रहे हैं, एक कोई व्यक्ति जो है आप में से सिलेक्ट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और हम लोग ये ऐसे ऐसे करेंगे जैसे संचिता जी ने किया है, रूपाली जी ने किया है, तो ये सब एक टीम वर्क हो जाएगा। और कहते हैं कि जब फुटबॉल का मैच होता है तो बॉल एक ही होती है लेकिन जो 11 प्लेयर्स होते हैं वो एक साथ खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत कमाल का होना चाहिए, एक भी अगर ठीक नहीं खेल रहा होगा तो मैच हार जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत सटीक तरीके से है, समझने वाली चीज़ यह है कि आप कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सिर्फ 5-7-8 मिनट का मुश्किल से समय है, संगीता जी के पास जल्दी से चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ खास है। जी हाँ जी राहुल जी, मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हम सब अभी ऑनलाइन रहे। जी मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लिया और मेरे पास अभी टाइम नहीं है या मैंने तब नोटिफिकेशन नहीं देखी, अगर या संचिता या रूपाली मैम ये बाद में भी इसमें फाइल में चेंजेस कर सकते हैं जी। और मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि किस टाइम को किसने चेंज किया, तो यहाँ फाइल में एक आता है वर्जन हिस्ट्री, उससे ये दिख जाता है कि ये फाइल किस किस स्टेजेस पे काम हुआ और क्या चेंजेस हुए इसमें। तो ये क्योंकि अभी हम लाइव कर रहे हैं तो सबका एक साथ ही आ रहा है,
लेकिन अगर मैं ये जब जितने टाइम 5-7 मिनट पहले बनाया वो वाला टाइम खोलती हूँ तो फाइल खाली थी। अभी वो क्या दिख रही है, उसमें जो मेरे काम किया हुआ है वो हरे रंग का आ रहा है और जो संचिता मैम ने जहां जहां टाइप करा वो पर्पल कलर का आ रहा है, ये भी अलग अलग बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। जी वही तो बात है, ये पता चल जाएगा कि एक फाइल में आपने 4 बजे जी जैसे जैसे आप राइट्स शेयर करेंगे वैसे वैसे उन लोगों को वो मिलते जाएंगे, वो जब उनके पास समय होगा तो वो अपना अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको काम को किया जा सकता है। जी, और ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं तो आप बच्चों को टीम वर्क, अगर हम कहें कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आप मिलके काम करें तो टीम वर्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो उसमें हम बच्चों को ये एक भी कोई भी गूगल डॉक जो है वो हम शेयरिंग के लिए दे सकते हैं, या हम उनको कहेंगे कि आप गूगल डॉक बनाओ और ये 4 बच्चे मिलके काम करेंगे और मुझको भी उसमें ऐड कर लो एज अ टीचर, और मैं तब उनको काम करते लाइव देख पाऊंगी क्योंकि वो आज मेरे सामने नहीं बैठे हुए क्लास में जी। और मैं उनका काम चेक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ से मैं चेक भी कराऊंगी, कॉमेंट दे पाऊंगी, मैं उनको जो अगर सजेशन है या कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको भी देख पाऊंगी, और चारों कंट्रीब्यूटर्स का क्या क्या काम हुआ है वो वर्जन हिस्ट्री में जाके भी टीचर देख पाती। तो ये स्कूल के अगर हम, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टीचर और टीचर के बीच में ही कोलैबोरेशन नहीं, आप बच्चों में आप काम करवा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं ऐसा काम और देखेंगे कि वो उनकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़िया है कि वो इस पे नहीं रुकेंगे, वो शायद इससे आगे बढ़ के जाएंगे, इसमें पिक्चर जो है उसको अच्छी और ढूंढेंगे, शायद वो फाइल में जाके इसका पेज सेटअप में जाके वो इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ पता है कि हमें अपना जो फाइल है उसको कितना अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो ये फीचर्स जो है वो अपने आप ढूंढ लेते हैं, उनको हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बच्चों है वो हमसे बहुत आगे है। तो ये सब चीजें जो है ये गूगल डॉक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, और आप अगर इंसर्ट में जाते हैं वहां से भी आप इमेज ले सकते हैं, एक्सप्लोर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन आप इमेज जो है वो 6 तरीके से आप एक गूगल डॉक में डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं कंप्यूटर से, सर्च कर सकते हैं वेब ड्राइव में अगर कोई फाइल है तो उसको यूज कर सकते हैं, गूगल फोटोज अगर आपके इस साइन इन के साथ में कोई एल्बम शेयर्ड है या लिंक्ड है आप वहां से ले सकते हैं, यूआरएल अगर आप अपने फोन पे काम कर रहे हैं तो आप अपने फोन से कैमरा यूज करके किसी चीज की फोटो लेके आप इसमें डाल सकते हैं। और क्योंकि अगेन मैं बात करना चाहूंगी उन टीचर्स के बारे में जो थोड़ा अगर उनके पास में लैपटॉप ज्यादा नहीं मिलता जी, और उससे आपका टेक्स्ट बुक है तो आपने वो बोला लेसन का एक कोई डायग्राम है और वो बच्चों तक पहुंच जाना है तो आप फोटो ले लीजिए वहां से बुक की किताब में से उस डायग्राम की, उसको गूगल डॉक्स में इंसर्ट करके आप इसको शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। जी वाकई तो ये तरीका आपने आसान सा तरीका उनके लिए बताया। संगीता जी अब हमारा समय जो है पूरा होने जा रहा है इस सेशन का, तो हमारे पास हार्डली 3 मिनट का समय है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस सेशन को कंक्लूड करें। जी थैंक यू सो मच राहुल जी, कंक्लूड तो मैं अभी ऐसा है कि थोड़ा सा ही दिखा पाई हूँ तो मैं सिर्फ एक लास्ट कंक्लूड करते हैं इसे। फाइल में जब हम जाते हैं मैं जरूर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से आप इस फाइल को ईमेल भी कर सकते हैं, किसी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी काफी हमारे साथियों के लिए जरूरी है जानना कि हर कुछ क्लाउड में स्टोर है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, आप ऐसी फाइल बना के आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में और इसको आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट में, और आप उसको एक लास्ट जो अच्छा तरीका है आज के टाइम के लिए भी वो है पब्लिश टू द वेब। अगर मैं इस फाइल को पब्लिश कर देती हूँ तो एक लिंक मिलता है मुझे, इस लिंक से हम इसको एक तरह से वेब पेज बना
जीमेल नहीं है और मैं उसके साथ ये फाइल नहीं शेयर कर सकती, तो मैं इस लिंक को अगर मैं बच्चों को एक शॉर्ट यूआरएल बनके किसी तरह पहुंचा सकती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये एक अब वेब पेज की तरह खुल गया। और जब जब मैं अपने गूगल डॉक में चेंजेस करूंगी कोई भी, वो इस फाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो अगर आप एक ऐसा गूगल उसमें लेसन तैयार करना शुरू करिए और वो बच्चों को पब्लिश टू द वेब से लिंक लेकर, लिंक आप सिर्फ बच्चों तक पहुंचा दें क्योंकि उनके पास शायद जीमेल नहीं होगा और अगर स्कूल का अकाउंट नहीं है तो वो 13 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए ही बन सकता है जीमेल का अकाउंट। जी तो छोटे बच्चों के साथ हम कैसे शेयर करें? जी ये वाकई बहुत अच्छा फीचर है, इस्तेमाल करिए और बच्चों तक। जी तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और गूगल एप्स को एक्सप्लोर करिए, गूगल ड्राइव को यूज करिए और देखिए कि आप अपने बच्चों के साथ उनको कितना मौका दे सकते हैं थोड़ा क्रिएटिव बनने का। जी बिल्कुल, इन सब का तो कोई गहराई मापन ही नहीं है, कहना चाहिए अथाह सागर है ये बिल्कुल। और यहाँ पर आपने जितनी चीज़ें भी बताई हैं उन सबको एक्सप्लोर करना आपका काम है। आपने बहुत बेहतर तरीके से संगीता जी एक्सप्लोर किया और एक्सप्लेन किया सभी बच्चों को, और आपका जो तजुर्बा है वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आपने आज का जो ये सेशन हमारे साथ किया है ये वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो भी देख रहे हैं। और ये जो अंत में आपने लिंक शेयर करने वाली जो बात बताई, मुझे लगता है कि जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स हैं अभी और अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या अभी जो कुछ एक छोटी मोटी रिसर्च अगर जो हमारे यंग चैंप्स भी करना चाहते हैं, वो चाहे हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में, तो वो अपने पेपर्स जो है पब्लिश कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, बिल्कुल, आपका बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू राम जी, धन्यवाद। तो ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, अभी हाजिर होंगे, नमस्कार।